आज बहुत ही जो खसूसी इजलास आपने मुनक्किद किया है उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और आपने सब अलग अलग हमारे जो ओलमाज हैं उनको यहाँ पर बुलाया है, सब अपने अपने व्यूज़ हज से मुतालिक रख रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर मौजूद हमारे डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रर अहमद साहब जो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को बरूएकार लाने में और इसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी को और साथ मिलजुल कर रहने की सदा उसके लिए तलकीन करते रहते हैं, ऐसे हमारे मुफ्ती साहब, हमारे हुज्जतुल इस्लाम जनाब मेहदीपुर साहब, मेरे साथ हमारे कुलीग सीनियर मेंबर हज कमेटी ऑफ इंडिया और साबिक वाइस चेयरमैन हज कमेटी ऑफ इंडिया एच बी काजमी साहब, अंजुम साहब और मुख्तलिफ सभी यहाँ पर अलग अलग शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मौजीन हजरात, ये बहुत अच्छी बात हमारे मुफ्ती साहब ने शुरू की थी और बताई थी, तो मैं उसको आगे ही उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है, वहाँ पर जो सऊदी अरब का इंतजामिया है उसकी 100% दादागिरी है। मैं तो जो वहाँ पर जो मौसासा है, जो मौलिमीन है उनकी मीटिंग में, तो उन्होंने ऐसी वो कोशिश करते हैं कि जब हमारी हज कमेटी ऑफ इंडिया का वहाँ पर एक डेलीगेशन जाता है तो वो कोशिश करते हैं उस डेलीगेशन वाली मीटिंग में मैं ना हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आमने सामने उनसे बात करता हूँ। और जो हमारे जो तर्जुमान हैं जो तर्जुमा करते हैं उनको भी सदा ये बोलता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने बोलना है। और मैंने बिल्कुल क्लियर उनसे 2-3 मीटिंगों में बोला कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जिस तरीके से इस्लाम की वो आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसको आपने पूरी तरीके से कमर्शियल उस पर मोड पर वो चलते हैं, हर साल जो है हाजियों के लिए दुश्वारियाँ पैदा करते हैं, पैसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो हम उनसे जो कोई एग्रीमेंट अभी हमारा पिछले साल मुफ्ती साहब हुआ था 5 साल के लिए, तो जो पैसे हमने उनसे तय हुए थे एक एग्रीमेंट हुआ था वो फिर उसको अगले साल जो है उसको पलट देते हैं, किसी चीज़ के अगर हमारे 400 रियाल थे तो उन्होंने इस साल उसको 600 रियाल कर दिए। तो सिर्फ उनकी मैं तो मुंह पर उनको बोलता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में दाऊद इब्राहिम का नाम है दादागिरी में, ऐसे ही वहाँ पर जो साउथ एशिया के मौसासा हैं उनका दादागिरी करके यार वो पैसे जो है उगाने का उनका काम है, ज़बरदस्ती वो पैसे लेते हैं। और जो माकूल इंतजाम होना चाहिए वो नहीं होता है, और हमारे यहाँ के भी कुछ गलतियाँ हैं उसकी हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों सब पूरे दुनिया की तरफ से ये तय हुआ था कि जो मीना में जो हमारे टेंट है वहाँ पर जो है कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर बन जाएगी तो जो हमारा हर साल कोटा बढ़ रहा है, तो उस वाले एरिया में जो एक आपका एक एरिया है कि इससे हम बाहर नहीं जा सकते तो उसमें हम रह सकते हैं, तो उसमें हमारे ही कुछ मौलानाओं ने उसमें फतवा जारी कर दिया कि जब तक हमारी कमर नहीं लगेगी तो वहाँ पर जो है हज नहीं होगा। तो कुछ जगह अगर उनकी मजबूरी है, इसमें नो डाउट कि जगह बहुत छोटी है और वहाँ पर पूरी दुनिया के हुजाज किराम को जाना है और वो कोटा भी सब अपने बढ़ाने की मांग करते हैं। जैसे हमारा 2014 में 1 लाख था, तो माशाल्लाह जब से हमारी सरकार आई है और हमारे मोहतरम नकवी साहब जब से वज़ीर बने हैं तो कोटा 2 लाख हो गया है 5 लाख में 5 साल में। तो 2014 में 1 लाख कोटा, 2019 में 2 लाख कोटा, तो 1 लाख हाजी बहरहाल बढ़े। तो उनके लिए हर आदमी को मीना में ही रहना है तो टेंट में उसमें इतनी जगह नहीं होती। वो एक चीज़ जो आपने उसमें बताई थी वो वहाँ की नहीं थी, वो मीना के टेंट्स की थी, तो उसमें एक छोटी सी जगह है उधर की तरफ भी मैं, तो अभी वो ख़त्म कर दिए, उसको रोक दिया, वो बनी हुई अभी भी पड़ी नहीं। वो तो सबको एक मुत्तफिका आपको एक फैसला करना पड़ेगा ना, तो ये तो जी तो वो मुत्तफिका प्रोग्राम बनना चाहिए। और एक चीज़ से मैं उनकी बात से सहमत हूँ प्रोफेसर अख्तरुल वाजे साहब की, ये जो OIC बनी है, अभी मैं लास्ट असरे में रोज़ों में गया हुआ था, मुफ्ती साहब तो उस टाइम कोई वो ऐसी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सभी मतलब जो मुस्लिम ममालिक के कोई ना कोई आदमी भी वहाँ गए हुए थे, लेकिन उसका कहीं ऐसा तजकरा नहीं था। हम जाते हैं वहाँ तो मैं मतलब जो बड़ा तल्ख भी बोलने वाला हूँ तो हम खाली
बिरयानी कोरमा या वहाँ के जो डिशेज है वो खा के आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अपने मतलब की बात है वो नहीं कर पाते। तो उसके लिए बेलौस जो है ना, आपको बोलना भी पड़ेगा, उसके लिए मुत्तहद भी होना पड़ेगा। और ये बात सही है कि पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के जो हुजारी किराम जाते हैं, पूरी दुनिया के सब बड़े बड़े आदमी जाते हैं, अगर वहाँ एक जर्रा बराबर भी अगर डेमोक्रेसी हो तो सब वहाँ मिलकर बैठकर अपने अपने मसाइल का हल कर सकते हैं, हम वहाँ आपस में अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि उनकी पूरी हर जगह सर्विलेंस रहती है कि एक से दूसरा आदमी ना मिले, तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए अरेंजमेंट। और ये किसी ना किसी को तो इनिशिएट लेने पड़ेगा ही उसमें आगे बढ़ने, तो ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए वहाँ पर अरेंजमेंट कि हम पूरे दुनिया के जो ममालिक हैं उसके जो सरबराह हैं या वहाँ पर जो लीड करने वाले हैं ऐसी शख्सियत जो एक साथ बैठकर जो हमारे मुसलमानों के पूरी दुनिया में मसले हैं उनके हल करने की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ें। अभी आप देखते होंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल और गारतगिरी कहाँ हो रही है, किसी भी मुस्लिम ममालिक में आप चले जाओ कहाँ, मतलब जो हम आपस में मर रहे हैं कट रहे हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें उसके लिए बैठना पड़ेगा। अभी हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हर जुमे में मस्जिद में 100 हमारे मुसलमान भाइयों को मुसलमान ही मारने का जो है ना वो एक एवरेज है, 100 हर जुमे में मस्जिद में मरते हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी ये कहीं ना कहीं गौर व फिक्र होना चाहिए, बैठना चाहिए, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान में जो हज कमेटी ऑफ इंडिया काम कर रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। अभी हमारे जो दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट है, पूरे हिंदुस्तान में 21 एम्बार्केशन पॉइंट है, उनमें दिल्ली सबसे बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है, जहाँ से माशाल्लाह इस साल 25,000 के आसपास हाजी जो है वो मदीना मनव्वरा के लिए पहली फ्लाइट से कल से शुरू हो गई है। तो हमने ये कोशिश की है कि इस वाले एम्बार्केशन पॉइंट पर पूरे हिंदुस्तान में कोई हमारा इको फ्रेंडली सिस्टम हो, ज़ीरो टॉलरेंस पर हमारे हाजी जाएँ, उनको जो इंटरनेशनली अरेंजमेंट है वो दिया जाए। हमारे कई हमारे सहाफ़ी भाई बैठे हैं वो भी कल गए थे, तो हमने ये कोशिश की है उनको यहाँ पर जो उनका ट्रांजिट कैंप है उसमें बेहतर सहूलियात हों और वहाँ पर सब अच्छी तरीके से जो है ना उनका सफ़र हो। पहले एक दो साल परेशानी होती थी, लेकिन इस साल वो मुफ्ती साहब माशाल्लाह वो दूर हो गई है। जो T3 के सामने हमारी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है उसके 4th फ्लोर पर हमने हज ट्रांजिट कैंप बनाया है, उसमें बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ 50,000 आदमी भी आ सकते हैं। तो उसका 2,500 हाजियों के लिए हमने वो एयर कंडीशन उसका बनवाया, तो उसमें हाजी जा रहे हैं, बाकी उनके जो छोड़ने वाले मैं तो सब यहाँ मौलाना बैठे हैं, हमारे सब हजरत बैठे हैं, उन सबसे भी ये अपील करूँगा कि हमारे गांव-गांव से जो हाजी जाते हैं अभी भी वो 200 साल पुराने कल्चर के हिसाब से जा रहे हैं। जब हर चीज़ में आपके बदलाव आ रहा है तो उनमें भी बदलाव आना चाहिए। एक हाजी को छोड़ने के लिए 50 आदमी आ रहे हैं, कम से कम 25,000-50,000 रुपये एक्स्ट्रा उस पर खर्च कर रहे हैं। दावतें उनकी वहाँ गाँव में हो रही हैं 400-500 की कि मैं हज पे जा रहा हूँ, जबकि वो कहीं किसी दीन में या इस्लाम में कहीं उसका जिक्र नहीं है। आप मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो वो ऐसा अगर अखराजात हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो हमारे सब उलमाओं को वहाँ पर उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई ये किसी गरीब बच्ची की शादी में हम 25,000-50,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, किसी गरीब आबादी में जहाँ जिनको खाना मैसर नहीं है वहाँ पर जाकर उन पैसों से उन्हें खाना खिला सकते हैं, उसका हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। गांव-गांव से जहाँ से हमारे हाजी जाते हैं, अपने सब मदरसे हैं, मस्जिद हैं, वहाँ से ऐसा ऐलान कर सकते हैं कि भाई हाजी को 2-4 आदमी छोड़ने जाए, यहाँ पर हमारे पे इतना अरेंजमेंट नहीं है, इतनी बड़ी कार पार्किंग नहीं है, एक फ्लाइट में 423 आदमी है, 423 आदमी के लिए 100 तो बस छोड़ने आ रही हैं, उसको 300 कार छोड़ने आ रही हैं, हर घंटे के बाद हर 2 घंटे के बाद में आपकी 400 की फ्लाइट, तो कितना बड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर हमारे आदमी जो मीडिया में जाते हैं उसकी वीडियो बनाते हैं कि जी हाजी हाजियों के लिए अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, हाजियों के लिए एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ही अरेंजमेंट है, लेकिन उनके छोड़ने वालों के लिए हम 5-स्टार होटल जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं खड़ी कर सकती। उसको 4-5-6 आदमी जाकर छोड़ें तो किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ऐसे हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम है हुजाजी किराम से मुतालिक, तो उसमें आप सबके हमें ताउन की ज़रूरत है, और आप सबका ताउन होगा तो इंशाल्लाह और हम बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है इस साल हिंदुस्तान से कि हमारे जो हुजाजी किराम जा रहे हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस पर जाएँ, इको फ्रेंडली सिस्टम हो, किसी से कहीं अब जैसा माहौल आज की तारीख में चल रहा है हम बसों में आते हैं, उसके आड़ में हम जो है यहाँ सयाहत के लिए आते हैं,
अगर हम एक हाजी को छोड़ने आ रहे हैं तो हम सैर और तफरी के लिए उनके साथ 50 आदमी आ रहे हैं, कहीं पर कहीं किसी से कलेश हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका एक मीडिया में अलग निगेटिव प्रोपेगेंडा होता है। अभी 2-4 दिन पहले आपके यहाँ एक छोटी सी घटना का, आपकी मस्जिद के बगल में ही थी, जो 3-4 दिन में जाके अभी सुलटा है आपने उसमें, माशाल्लाह मैं आपको उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने अच्छे बयान दिए, तो वो एक पुल का और एक ब्रिज का आपने काम किया। तो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के जो कुछ मसले होते हैं, तो जब तक हम सब मिलकर गौर नहीं करेंगे, और मैं तो हर जगह अपनी सब जगह बोलता भी हूँ मुफ्ती साहब कि 3 चीज़ पर हमारा सबका यकीन है, अल्लाह पाक, कुरान पाक, हुजूर पाक, इन सब पे तो हमारा यकीन है ना, तो इससे हमें नीचे उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो यही माशाल्लाह 25 करोड़ हिंदुस्तान में, अगर हम यकजहती से सब इकट्ठा होकर चलेंगे तो हमारे सब मामलात भी अच्छे हो सकते हैं, हमारे आपस में रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, और हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी हैं हिंदुस्तान में तो जो हिंदू हैं वो हमारे, अगर हम 30 करोड़ तो 100 करोड़ वो भी, तो वो भी सब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे मसले क्रिएट होते हैं। तो आप सबकी मैं, जितने भी हमारे यहाँ पर मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, और आप माशाल्लाह जो है लीड करिए उसको, तो इन चीज़ों को आप बरवे कार लाइए और सब यूनिटी के साथ, यकजहती के साथ रहें, और पूरा हिंदुस्तान भी हमारा तरक्की करे। जब वो तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रहने वाले मुसलमान हिंद भी तरक्की करेंगे, तो ऐसा हम माहौल बनाना चाहते हैं। आपने एक बहुत अच्छा ये एक मौजू पर बहस की है यहाँ, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा कि इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो अपने यहाँ पर छोटे से हॉल में ही नहीं, किसी बड़े एक स्टेडियम में या बड़े एक जगह पर ऐसे एक प्रोग्राम करिए। हम सब आपके साने बसाने साथ हैं इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।